तो सभी स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको आज बता दूं कि यूपीपीसीएल यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में कुछ वैकेंसी निकली है। ये वैकेंसी जो है ये कुछ ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए और कुछ टाइपिस्ट के लिए निकली हुई, ठीक है। वैकेंसी बहुत ही कम है, बट मैं आपको कहना चाहूँगा वैकेंसी कम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कम वैकेंसी में ही फॉर्म भरने में मजा आता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से और कौन कौन सी वैकेंसी निकली होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अपने वेब ब्राउजर में जाना है, जाने के बाद यहाँ पे आपको यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर जाना है, जैसे कि www.upcl.org, ठीक है। ये यूपीपीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट ओपन हो गई, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे डायरेक्ट आकर के देखना चाहते हैं कि मतलब कौन सी वैकेंसी कैसे निकली है, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपको राइट साइड में आना है और ये वैकेंसी रिजल्ट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप देखिएगा कि सारी वैकेंसी यहाँ पे शो होने लगेंगी, जो भी वैकेंसी यूपीपीसीएल में निकली हुई है। तो क्लिक करने के बाद आप तुरंत देखेंगे कि ये सारी की सारी वैकेंसियाँ शो हो रही हैं, ठीक है। जिस चीज़ की वैकेंसी निकली है, तो मैं अभी आपको दो वैकेंसीज के बारे में बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि ये एक निकली हुई है ऑफिस असिस्टेंट की, ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट की और स्टोनोग्राफर थर्ड की, ठीक है। तो आप यहाँ पे आकर के भी डायरेक्ट डिटेल भी दे सकते हैं, बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे व्यू पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। व्यू पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म आपका ओपन हो गया, ठीक है। जो नोटिफिकेशन आया है ये नोटिफिकेशन आपका ओपन हो गया। तो मैं यहाँ पे कुछ बातें आपको बता देता हूँ, जैसे ये यूपीपीसीएल की जो आंसू लिपिक की वैकेंसी निकली हुई, ठीक है, ये अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए एक और अनुसूचित जाति की 12 सीटें इसमें निकली हुई है, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति की 2 सीटें निकली हुई है। तो पोस्ट कम नहीं है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसमें अप्लाई करने के लिए क्या है कि इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद आपको मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपके पास एक आधार कार्ड जरूर होना चाहिए अपना, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसकी जो वेतनमान है वो 27,200 से लेके 86,100 रुपये का वेतनमान है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसके बाद इसमें आयु जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आयु जो है आपकी वो 21 से 40 के बीच की होनी चाहिए, ठीक है, 21 से 40 तक की होनी चाहिए आयु, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको चरित्र प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और वैवाहिक स्थिति, ये सारी की सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करानी पड़ेगी, लेकिन ये आपकी अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद का ये सारा का सारा काम है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और वैवाहिक स्थिति का जो पत्र है, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद मैं आपको बता दूं, देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपके इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास जो है वो स्नातक की उपाधि जरूर होनी चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट जरूर होने चाहिए। और इसके बाद आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आंसू लेखन में आपको 60 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य है, ठीक है, आंसू लेखन में। और इसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग में आपको 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य है, ठीक है। यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अगर आपकी इतनी गति है तो ये फॉर्म आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और मैं बता दूं ये जो इसका जो एग्जाम होगा, चयन प्रक्रिया, वो दो दो भाग में होगा, ठीक है। पहला जो एग्जाम होगा वो आपका सीसीसी स्तर का, यानी कि कंप्यूटर स्तर का एग्जाम होगा, ठीक है। उसमें आपसे सिर्फ कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा और इस कंप्यूटर के एग्जाम में पास होने के बाद ही आपसे दूसरा एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। देखिए साफ साफ लिखा है कम से कम 20 अंक प्रति प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद ही आप नेक्स्ट लेवल के एग्जाम में एंटर कर पाएंगे। तो जैसे ही आप कंप्यूटर का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपका दूसरा एग्जाम होगा। उस एग्जाम में आपको जनरल अवेयरनेस और ये आपका तार्किक और सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश जो इंटरमीडिएट स्तर के इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसमें पास होने के बाद मैं आपको बता दूं, जो मेरिट बनेगी वो कंप्यूटर के एग्जाम के कोई नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, जो नंबर जोड़े जाएंगे आपके इस एग्जाम के जोड़े जाएंगे, ठीक है, सेकेंड एग्जाम के। और इसके बाद जो तीसरा एग्जाम लिया जाएगा वो आंसू लेखन का होगा, ठीक है, आंसू लेखन का होगा और आपका जो कंप्यूटर टाइपिंग का होगा, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आते जाइए, ये सारा का सारा आप फॉर्म पढ़ लीजिएगा, कुछ इसमें स्पेशल नहीं, जो स्पेशल चीज़ें वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। और ये देखिए आयु में कुछ छूट दी जाएगी, ठीक है, यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी जो कि 5 साल तक है, ठीक है।
और इसके बाद ये देखिए आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क जो है आपको, यदि आप ओबीसी से हैं और नॉन क्रीमिलियर में आते हैं तो आपको 1000 रुपये जो है इसकी फीस जमा करनी है, ठीक है। और यदि आप अनुसूचित जाति एससी एसटी से हैं तो आपको 700 रुपये यहाँ पे जमा करते हैं, ठीक है। आवेदन करने के लिए आपको जो मैंने अभी आप वेबसाइट बताई है इसी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके इस तरीके से हाउ टू अप्लाई करना, ठीक है। जब भी अप्लाई करने का वक्त आएगा मैं उसके ऊपर दूसरा वीडियो बना दूंगा, आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि आवेदन अभी हो नहीं है, अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आया। ये देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथि जो है वो 23/10 से 14/11 तक है, ठीक है। तो इसी प्रकार से, और उसके बाद शुल्क जमा करने की तिथि दे दी है। और यदि आप ऑनलाइन आवेदन शुल्क नहीं देना चाहते हैं, एसबीआई चालान के द्वारा देना चाहते हैं, तो उसकी भी डेट दे दी है कि कब से कब आपको पैसे जमा करने हैं, ठीक है, ऑनलाइन। और परीक्षा की समाप्ति की अवधि जो 2020 के प्रथम समाप्त हुए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे अगर ऑसुलबीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पोस्ट कम नहीं है, ठीक है, कम होने की वजह से इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद जो एक सेकंड वैकेंसी निकली है वो निकली है आपकी ऑफिस असिस्टेंट की, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट में आप देखिए ऑफिस असिस्टेंट में जो है वो सिर्फ 3 पोस्ट निकली है, वो भी अनुसूचित जाति के लिए। चलिए कोई टेंशन की बात नहीं, जो भी अनुसूचित जाति के लोग हैं वो इसे भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए वही चीज जो मैंने बताया, आधार कार्ड इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और जो वेतनमान है वो 27,286 तक है, ठीक है, इंडियन। और ये नीचे आते जाइए और आयु के लिए देखिए 21 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। और ये चरित्र प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, वैवाहिक स्थिति, ये आपको जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद जो वेरिफिकेशन होता है उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए उस वक्त। और देखिए चयन प्रक्रिया के लिए जो लिखित परीक्षा होगी, इसमें भी 2 भागों में लिखित परीक्षा होगी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। पहला जो होगा वो होगा आपका सीसीसी का एग्जाम, यानी कि कंप्यूटर का एग्जाम होगा, ठीक है। इस एग्जाम में पास होने के बाद ही आपको दूसरे एग्जाम के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने अनिवार्य है, ठीक है, तभी आपको सेकंड परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। और सेकंड परीक्षा जो होगी वो अंकगणित की होगी और हिंदी एंड अकाउंटेंसी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगर आपके आप सेलेक्ट हो जाते हैं सेकंड परीक्षा में, क्योंकि फर्स्ट परीक्षा के नंबर नहीं जुड़ते, सेकंड परीक्षा के ही नंबर आपके काउंट किए जाएंगे। तो उसके बाद आपको टंकन में बैठने दिया जाएगा, यानी कि टाइपिंग में बैठने दिया जाएगा। और टाइपिंग के लिए मैं आपको बता दूं कम से कम 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, यानी कि अगर 10 सीट हैं तो आपको 50 व्यक्ति बुलाए जाएंगे टाइपिंग के लिए, ठीक है। और टाइपिंग की स्पीड जो 30 शब्द प्रति मिनट होनी ही चाहिए आपके। और यदि आप अप्लाई कर रहे हैं और आपकी टाइपिंग इतनी स्पीड इतनी नहीं है तो प्लीज अपनी टाइपिंग स्पीड को सुधार लीजिए। और परीक्षा के जो स्थान देखिए बताए गए हैं लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी शहरों में होगी, ठीक है। तो इसके अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है, कुछ ऐसा नहीं है कि फिक्स है ये, ठीक है। और इसमें आप नीचे आते जाइए, आयु में अमान्य छूट, ठीक है। यदि आप यूपी के अभ्यर्थी हैं और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको 5 साल तक की छूट दी जाएगी। और इसमें आप नीचे आते जाइए, नीचे आने के बाद आप ये देख सकते हैं कि आपको मूल निवासी अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी जो केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है उनके 700 रुपये आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, ठीक है, 700 रुपये फीस आपकी है। इसके बाद देखिए आवेदन कैसे करें, तो वही आपको यूपीपीसीएल की ORG की वेबसाइट पे जाना है, जो लिंक मैंने अभी वीडियो के नीचे दिया है, जिससे आप अपनी अभी साइट पे आए हैं वहीं से आपको यहां से ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई करना मैं आपको बता दूंगा जब अप्लाई करने की डेट आएगी, अभी मैं नोटिफिकेशन के बारे में बता रहा हूँ ताकि आप तैयारी शुरू कर सकें अगर आपकी स्पीड वगैरह नहीं है तो। और ऑनलाइन देखिए जो है 23/10 से 14/11 तक है, ठीक है। शुल्क जमा करने के लिए 23 से 14, और यदि आप SBI चालान से कर रहे हैं तो 23 से 16 तारीख तक, ठीक है। और परीक्षा की समय अवधि ये जो है 2020 प्रथम सप्ताह तक है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप इन दोनों वैकेंसियों को अच्छी तरह से वेबसाइट ओपन करके पूरी तरीके से पढ़ लीजिए। और यदि आपको लगता है कि हाँ मेरी स्पीड वगैरह ठीक है और मेरी तैयारी अच्छी है, तो मेरा ये कहना मानना है कि सीटें कितनी भी कम हो उससे कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, एक सीट पे भी अगर आपका सिलेक्शन होगा तो हो के रहेगा, ठीक है। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा और मेरी जो मैंने जानकारी दी वो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उस चैनल को पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी प्रकार की लेटेस्ट वैकेंसियों की जानकारी के लिए, ठीक है। और यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट करके आप मुझे
पूछ सकते हैं मैं आपके पूरे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।